नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोप और ड्रैग पैटर्न के बारे में। कोप और ड्रैग पैटर्न वैसे तो स्प्लिट पैटर्न की तरह ही होते हैं, उसकी तरह सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें जो पैटर्न होता है वो बड़े साइज़ का होता है। जब हमें बड़े साइज़ की कास्टिंग बनानी होती है तब पैटर्न बहुत भारी हो जाता है, जिससे एक ऑपरेटर के द्वारा इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से पैटर्न को दो पार्ट में बनाते हैं और जिन्हें हम अलग अलग मोल्डिंग बॉक्स में उनको रखते हैं, और मोल्ड के कंप्लीट होने के बाद उन दोनों मोल्डिंग बॉक्स को असेंबल करते हैं उन पैटर्न्स को निकालने के बाद, और मोल्ड कैविटी जिससे कंप्लीट हो जाती है। मतलब पैटर्न का एक पार्ट ड्रैग और दूसरा पार्ट कोप में बनता है। जैसा इस डायग्राम में देखें कि अलग अलग ये ड्रैग पैटर्न है, ये कोप पैटर्न है, दोनों एक मेटल या वुड प्लेट पर बने हुए हैं, और इनमें क्या होता है कि राइजर, रनर या कह सकते हैं कि गेटिंग की अरेंजमेंट भी साथ की साथ इसमें बनी होती है, और इस प्रकार एक बड़े साइज़ के मोल्ड को आसानी से हैंडल करते हैं अलग अलग मोल्डिंग बॉक्स में। और इसमें हम कह सकते हैं कि कोप और ड्रैग पैटर्न की मदद से मोल्डिंग बॉक्स के कोप और ड्रैग पार्ट में अलग अलग मोल्ड बनाया जाता है, और पैटर्न को रिमूव करने के बाद में उन्हें असेंबल करते हैं ताकि हमारी मोल्ड कैविटी कंप्लीट हो जाए। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, इसका प्रयोग फ्लेंच पाइप में किया जाता है, जेसीबी हेड के वाटर जैकेट को बनाने किया जाता है, होस पाइप कपलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप की कास्टिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जब हमें बड़े साइज़ की कास्टिंग बनानी होती है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कोप और ड्रैग पैटर्न के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।